Hi friends, my name is Vikas Chauk and welcome to my channel Digital Prime. आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज करके हम कैसे एक कंप्लीट ऑटोमेटेड अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। तो एक फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना करके प्रिपेयर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीटली ये ऑटोमेटेड शीट है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 1st December फॉर एग्जाम्पल ये मंथ देते हैं। अगर इस मंथ को फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे चेंज करते हैं राइट 03 मार्च राइट, अगर मैं इसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये इवन दो डे भी चेंज हो गया और उसके साथ साथ मंथ का डेट भी चेंज हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ पर अगर मान लो आप इसे कभी भी प्रेजेंट पी फॉर प्रेजेंट अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली सेल का ये कलर भी चेंज हो रहा है राइट। ए फॉर एबसेंट, पी फॉर प्रेजेंट, एच फॉर हॉलीडे, ओ टी फॉर ओवरटाइम। आप देख सकते हो हर सेल के लिए एक अपना वैल्यू है। अगर ये एब्सेंट यहाँ पर आप क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिकली ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर प्रेजेंट सेलेक्ट करते हो तो ये ग्रीन हो जाएगा राइट। और सबसे खास बात ये है कि अगर इस शीट में इस सेल में इन सारे प्रेजेंट एब्सेंट ओटी ओवरटाइम लीव ये सेल में अगर आप कोई भी अदर वैल्यू फॉर एग्जाम्पल ओ प्रेस करते हो और फिर एंटर करते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपको मैसेज रिस्ट्रिक्टेड मैसेज दिखाएगा कि द वैल्यू यू एंटर इज नॉट वैलिड राइट। तो यहाँ पर हमारे पास बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए हम कोई भी अदर वैल्यू पुट करते हैं इंसर्ट करते हैं इसमें तो ये इनवैलिड बताएगा। उसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर हॉलीडे लेता हूँ तो उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये आप यहाँ नोटिस करना प्लीज, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एबसेंट रखता हूँ तो ये इन सब वैल्यूज में भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये कैसे मैंने इसे प्रिपेयर किया है राइट, तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटेड है। इवन दो आप यहाँ पर कंप्लीट देखोगे डाउन में तो ये पूरे वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर रहा है कि आउट ऑफ 25 एम्प्लॉयज, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो मेरे पास 25 एम्प्लॉयज है डिजिटल प्राइम में, जो कि लास्ट एम्प्लॉय है यहाँ पर 25th नंबर पर नागराजू, तो बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर राइट। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये ऑटोमेटिकली जो है कैलकुलेट कर रहा है आउट ऑफ 25 में 22 एम्प्लॉयज जो है प्रेजेंट है राइट। तो 1, 2 and 3 मेंबर्स एब्सेंट है आउट ऑफ 25, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग ये एनालिसिस कर सकते हैं कि आउट ऑफ 25 मेंबर्स में से कितने मेंबर्स हमारे जो है प्रेजेंट थे 2nd of March को, तो 3 मेंबर्स जो थे एब्सेंट है राइट। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स एब्सेंट थे उनके नेम के सामने, अगर यहाँ पर एब्सेंट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर ये 7 नंबर देख रहे हो थोड़ा लाइट डार्क ग्रीन में आ गया, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे और इसे स्क्रॉल करोगे इधर तो आप देख सकते हो सोनिका मलानी की पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑल इंडिया ऑपरेशन राइट। तो चलिए हम फ्रेंड्स देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम कि सेम ऐसा ही सीट हम कैसे फुल्ली ऑटोमेटेड एक्सेल शीट में बना सकते हैं। इवन दो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए चलिए मैं इसे चेंज करता हूँ डेट को, फॉर एग्जाम्पल अगर 12 करता हूँ राइट 12 मार्च, तो सो 12 दिसंबर राइट, तो आप देख सकते हो 1st December को संडे था। तो हमें ये पता करना है कि करेक्टली ये फॉर्मूला प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं, ये अगर हमें चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के डेट से। तो आप अगर देखोगे आप तो ऑटोमेटिकली ये दिखा रहा है राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1st Sunday, यहाँ पर 1st December जो था वो संडे था राइट, यानी कि करेक्ट है। उसी तरह अगर आप मान लो चेंज कर देते हो इसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसे चेंज कर दो कोई भी मंथ, लेट्स टेक मई मंथ आप देखोगे तो मई 1st में जो था वो वेडनेसडे था। तो आप कैलकुलेट आप यहाँ पर आप जाओ कैलेंडर में चेक करो मई राइट, तो मई देखो 1st मई जो है यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है वो वेडनेसडे है, यहाँ पर 1st मई जो है वेडनेसडे है राइट, वेडनेसडे। तो ये एग्जैक्टली करेक्ट फॉर्मूला हमारे पास लगा हुआ है। तो इसे हम कैसे इस तरह से बना सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कि आप हम इसे कैसे बना सकते हैं राइट। तो ये रहा, मैंने एक ऑलरेडी शीट जो है 2nd नंबर शीट में कुछ डेटा को जो है ऑलरेडी कॉपी और पेस्ट कर लिया है यहाँ पर ताकि हमारा कुछ टाइम सेव हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेल माई नेम इज विकास राउत एंड वेलकम टू माई चैनल डिजिटल प्राइम, एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल पीपल Please don't forget to subscribe and don't forget to give comment in the comment section.
सो आप अगर मुझे कमेंट करके बताओगे तो थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर मैंने कहीं भी मिस्टेक कमिट किए तो आपके कमेंट के थ्रू मुझे पता चलेगा. इवन दो अगर आपको ऐसे ही वीडियोस कंसिस्टेंटली चाहिए जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे आपके पर्टिकुलर डे टू डे लाइफ में, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप सजेस्ट करते रहिएगा. और इवन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, आप सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, पहले अपना डेट और डेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं. राइट, तो हमें डेट चाहिए पहले, तो चलिए दिसंबर का ही ले लेते हैं. राइट, 01/12/2019. राइट, सॉरी 2019. राइट, अब फ्रेंड्स मैं बताता हूँ ये 1 दिसंबर कैसे आ रहा है. राइट, तो हमें करना कुछ भी नहीं, सिंपली हमें जाना है होम टैब में और डेट का फॉर्मेट मैंने चेंज करके रखा है 1 दिसंबर. इसी फॉर्मेट में वो हमेशा अपीयर होगा स्क्रीन पर. तो चलिए मैं आप सबको बताता हूँ ये कैसे आया. तो आपको जाना है होम टैब पे और आपको सिंपली ये नंबर जो है इसके ऊपर आपको ये दिख रहा है यहाँ पर डेट नंबर फॉर्मेट. राइट, तो नंबर फॉर्मेट सिंपली आप क्लिक करो, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन आएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स. आप जैसे इस पर क्लिक करो इस छोटा सा पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा और आप यहाँ पर देख सकते हो डेट फॉर्मेट पर 14th of March. तो इसे आप सिंपली क्लिक कर दो, तो ये आप यहाँ पर अगर आपका दूसरा कोई भी फॉर्मेट होगा तो ये चेंज होकर के इस फॉर्मेट में अपीयर हो जाएगा. अब हमें लगाना है फॉर्मूला ताकि सारे 31st of December तक ये ऑटो जनरेट हो डेट. इसके लिए सिंपली हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली क्लिक करना है इज इक्वल्स टू और सिंपली हमें लास्ट सेल को फर्स्ट जहां पर हमने डेट दिया उसे सेलेक्ट करना है और प्लस 1 एंटर. आप देख सकते हो यहाँ ये ऑटोमेटिकली आ गया 2nd of December. अब सिंपली करना कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो आप देख सकते हो मैं अगर सेलेक्ट करके इसे ड्रैग कर रहा हूँ तो ये नहीं काम कर रहा क्योंकि मेरा ड्रैग ऑप्शन जो है डिसेबल्ड है, तो मुझे इसे इनेबल करना होगा. तो उसे हम कैसे इनेबल कर सकते हैं, सिंपली आपको जाना है यहाँ पर फाइल में और क्लिक करना है ऑप्शन पे और जैसे ही आप ऑप्शंस पे क्लिक करोगे स्मॉल पॉपअप मेन्यू अपीयर होगा और इसमें लेफ्ट हैंड साइड से आपको सेलेक्ट करना है एडवांस और आपको चेक इनेबल करना है, चेकबॉक्स को इनेबल करना है ये इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन का और उसके बाद आपको कर देना है क्लिक ओके. राइट, अब आप इसे ड्रैग करके सिंपली यहाँ तक लाओगे. राइट, मैजिकली ये काम कर रहा है. तो चलिए हमारा पहला स्टेप हो गया. दूसरा स्टेप है हमें पता करना है 1 दिसंबर को कौन सा डे था, 2 दिसंबर को कौन सा डेट था. तो हमें डे के लिए फॉर्मेट लगाना है यानी कि फॉर्मूला लगाना है. तो ये भी सिंपल है, सिंपली आप इज इक्वल्स टू टाइप करो टेक्स्ट TXT और ओपन द ब्रैकेट और आपको वैल्यू चाहिए. तो वैल्यू हमारा 1 दिसंबर है. राइट, और फिर कॉमा लगाना ना भूले प्लीज और इन्वर्टेड कॉमा में आपको देना है DDD और क्लोज इन्वर्टेड कॉमा क्लोज द ब्रैकेट एंड. तो आप देख सकते हो ये संडे है 1 दिसंबर को. राइट, उसी तरह आपको सिंपली आप माउस से ना करके सीधे डायरेक्टली कीबोर्ड से भी कर सकते हो. सिंपली आपको क्या करना है, इसे कॉपी करना है कंट्रोल सी से और फिर शिफ्ट प्रेस करके एरो की आप जस्ट प्रेस कर दो. आपको सेलेक्ट कर लेना उस 31st रेंज तक, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा. राइट, फिर आपको संडे है तो आप यहाँ फर्स्ट सीट में देख सकते हो इसे वर्टिकली हमें कैलकुलेट रखना है. राइट, तो आपको सेकेंड शीट में इसी तरह रखना पड़ेगा. तो सिंपली आप ये मर्ज है टोटली, इसे अनमर्ज कर दो और फिर उसके बाद इसे सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, कर देना है इसे मर्ज और यहाँ पर आपको टाइप करना है संडे. राइट, एंटर. तो ये ऑटोमेटिकली ये ले ले रहा है इस फॉर्मेट में. अब आप मे बी आपके एक्सेल शीट में ये ऑटोमेटिकली ना ले, लेकिन अगर ये ऐसा नहीं लेता तो आपको वरीड होने वाली कोई बात नहीं है ऐसी. सिंपली आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आपको जाना है सीधे यहाँ पर होम टैब में. होम टैब में यहाँ पर ओरिएंटेशन आएगा, ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है और सीधे इसको ऐसे कर देना है. राइट, तो अगर आपको ऐसा आता है आपके एक्सेल शीट में तो आपको इसी को सेलेक्ट करना है इस सेल को और आपको होम टैब में सीधे ओरिएंटेशन पर क्लिक करना है और आपको सेलेक्ट कर लेना है रोटेट टेक्स्ट अप. तो ये ऐसे आ जाएगा. आप इसे हम फिल कर देते हैं कलर, कोई भी एक कलर फिल कर देते हैं, लेट्स टेक ऑरेंज ओनली. ओके, अब फिर दूसरा संडे जो यहाँ पर है इसे भी हम सेलेक्ट करते हैं और मर्ज कर देते हैं. राइट, इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से और इसके बाद इसे यहाँ पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं. राइट, ये हो गया. फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट संडे जो है 15th of December को है, इसे भी हम मर्ज कर देते हैं सेलेक्ट करके और फिर इसके बाद यहाँ से कॉपी करना है कंट्रोल सी और यहाँ कंट्रोल वी पेस्ट. राइट,
फिर उसके बाद नेक्स्ट संडे जो है हमारा 22nd of December, इसे भी सेलेक्ट करना है मर्ज करके, फिर उसके बाद इसे कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ कंट्रोल बी पेस्ट, राइट। लास्ट संडे जो है इस मंथ का 29th of December, इसे कंप्लीटली सेलेक्ट करना है, सेल को मर्ज करना है, फिर उसके बाद कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पर कंट्रोल बी पेस्ट, राइट। तो अब ये हमारा यहाँ पर डेट का और डे का जो है फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें लगाना है फॉर्मेट की, अगर मैं यहाँ पर पी प्रेजेंट के लिए पी अगर प्रेस करूँ तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए, और उसके साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट डे में भी ये कैलकुलेट हो, तो ये इसके लिए हम कैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ये बहुत ही इजी है, मैं आपको बताता हूँ, राइट। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हमें पहले सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा रेंज, तो कंट्रोल्स आप सिंपली 1st December को जहां से भी आपको स्टार्ट करना है आपका रेंज, उसे वहां पर उस सेल में क्लिक कर लो, और फिर आपको शिफ्ट और राइट एरो, फिर राइट एरो कंप्लीटली 31st of December तक सेलेक्ट कर लो, और डाउन एरो से कंप्लीटली नीचे तक आ जाओ जहां तक आपको आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे अप्लाई करना है टिल 25th of जो भी है हमारा, मुझे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करना है कम्प्लीटली सिर्फ 25th of 25 एम्प्लॉयज के लिए, डिजिटल प्राइम के एम्प्लॉयज के लिए, राइट। तो कंट्रोल शिफ्ट और अप करता हूँ तो एक और ऊपर चला जाता है, अब 25 तक क्लिक हो गया। अब हमें लगाना है यहाँ पर फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला जो है हम लोग को जो अप्लाई करना है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको सिंपली रहना है होम टैब पर और आपको जाके क्लिक करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है मैनेज रूल्स पे। मैनेज रूल्स में जैसे ही जाओगे आप, तो आपको क्लिक करना है न्यू रूल्स पे। आपको फिर जाना है फॉर्मेट ऑनली सेल्स दैट कंटेन सेकेंड ऑप्शन, फिर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से यहाँ पर फॉर्मेट ऑनली सेल्स विथ में क्लिक करना है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पर क्लिक करना है आपको पी, फिर आपको क्लिक करना है फॉर्मेट पे और आपको जाना है यहाँ पर टैब फिल पे और ग्रीन, कोई भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के, फिर क्लिक करना है ओके। ओके सेकेंड फर्स्ट रूल हमारा हो गया, सेकेंड रूल के लिए फिर आपको न्यू पर क्लिक करना है सेकेंड ऑप्शन पे, फिर लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट से स्पेसिफिक टेक्स्ट, फिर आपको क्लिक करना है ए पर एब्सेंट फॉर्मेट, आपको लाइट रेड, फिर उसके बाद ओके, ओके पर क्लिक करना है, फिर आपको न्यू रूल्स लेना है, फिर सेकेंड ऑप्शन क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्पेसिफिक टेक्स्ट, फिर आपको क्लिक करना है एच फॉर हॉलीडे फॉर्मेट, फॉर्मेट में जाना है आपको मोर कलर्स में, क्योंकि मुझे चाहिए लाइट येलो, और ओके ओके एंड ओके, राइट। अब हो गया, अब हमारा बचा हुआ है ओटी ओवरटाइम, फिर आपको उस न्यू रूल्स पे क्लिक करना है, सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्पेसिफिक टेक्स्ट, फिर आपको चाहिए ओटी, राइट, क्लिक करना है फॉर्मेट पे, फिर आपको जाना है पर्पल कलर, राइट, और ओके ओके एंड अप्लाई ओके, राइट। अब ये हमारा कंप्लीटली जो है फॉर्मेटिंग टूल्स से फॉर्मेटिंग हमारा हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं चेक करके ये काम कर रहा है या नहीं। तो P अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ग्रीन होना चाहिए, राइट, करेक्ट, ये हो रहा है। H के लिए येलो हमने दिया था, एब्सेंट के लिए रेड दिया था, फिर उसके बाद हमने दिया था OT, राइट, परफेक्टली ये काम कर रहा है, दैट्स इट, थोड़ा मैजिकल है ये, राइट। अब हमें चाहिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है, ताकि अभी फ्रेंड्स देखो, मैं अभी पी प्रेजेंट के लिए पी अगर प्रेस करता हूँ तो ये ग्रीन हो रहा है, राइट। यहाँ पर कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगा, अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल भी अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हो जा रहा है, राइट। तो ये थोड़ा गलत है, तो ये हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है। अगर मैं ऐसे भी प्रेस करता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो बेसिकली ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं चाहिए। अगर मैं चाहूँ जो है, अगर मैं प्रेजेंट एब्सेंट ओवरटाइम और हॉलीडे के अलावा कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर जो है मैं अगर प्रेस करता हूँ तो वो एक्सेप्ट ना करे, या कोई भी नंबर अगर मैं प्रेस करूँ तो ये ना करे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए सेम हमें क्या करना है, कंप्लीटली सेल्स को सेलेक्ट करना है 31st of December तक, राइट, और फिर उसके बाद जाना है 25 एम्प्लॉयज तक, 25 एम्प्लॉयज के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया, राइट, आपका जितना भी एम्प्लॉयज हो कंपनी का अपना सेलेक्ट करना। अब हमें क्रिएट करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो हमें जाना है डायरेक्टली अब टैब में डेटा पे, डेटा पर जाना है, और डेटा पर हमें जाना है डेटा टूल्स में, और डेटा टूल्स में हमें क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में आपको फर्स्ट ऑप्शन लेना है डेटा वैलिडेशन, फिर आपको यहाँ पर एनी वैल्यू अलाउ एनी वैल्यू में से ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको क्लिक सेलेक्ट करना है लिस्ट पे, और लिस्ट में हमें देना है प्रेजेंट कॉमा, फिर देना है एब्सेंट
कॉमा, फिर देना है हमें हॉलीडे कॉमा ओटी, और फिर उसके बाद कर देना है ओके। तो अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर इसके बाद सेल के थोड़ा सा राइट साइड में आप देख रहे हो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मेन्यू क्रिएट हो चुका है। अब इस पर क्लिक करोगे आप तो आपके पास जितने भी वैल्यू आपने दिए थे प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे ओवर टाइम के लिए वही अपियर होंगे। अब आप यहाँ पर पी सेलेक्ट करते हो तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, ये सारे सेल्स के लिए एप्लीकेबल हो चुका है राइट। तो अगर आप मान लो अब यहाँ पर ये यहाँ पर आप 1st December को मान लो आप यहाँ पर कुछ अदर वैल्यू क्लिक करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं टी प्रेस करता हूँ टी, तो अब उसके बाद एंटर, तो आप देख सकते हैं द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड राइट। अब हमारे लिए ये बेहतर है क्योंकि पहले क्या था कोई भी वैल्यू को ये एक्सेप्ट कर ले रहा था, तो अब ये बेहतर हो गया। अब हमें काउंट करना है प्रेजेंट डे, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय जो है कितना डेज वर्कआउट किया है राइट। तो हमें ये पता करना है, तो हम इसे कैसे पता कर सकते हैं राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें क्रिएट करना है क्या फॉर्मूला, हमें अप्लाई करना है फॉर्मूला। अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमें कंप्लीटली पता चल जाएगा कि हाँ हमारा एम्प्लॉय जो है कितने डेज के लिए वर्क किया है राइट। तो उस हिसाब से हमें पता चलते रहेगा और डे टू डे डेली एक्टिविटीज हम इसे ट्रैक करते जाएंगे उस हिसाब से। तो चलिए हम मैं बताता हूँ आपको कि प्रेजेंट के लिए हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, हमें फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है काउंट इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर। तो काउंट इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें करना है सेल को सेलेक्ट और टाइप करना है इज इक्वल्स टू, टाइप करना है हमें फिर काउंट इफ राइट एंड ओपन द ब्रैकेट, और फिर उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है रेंज यानी कि 1st December से लेकर के 31st December तक राइट, 31st December राइट हो गया। और फिर उसके बाद आपको देना है सिंपली कॉमा राइट। अब जैसे ही आप कॉमा दोगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा रेंज, ये सारे रेंज जो है सेलेक्ट हो चुके हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद देना है आपको क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमें देना है इन्वर्टेड कॉमा में टी क्योंकि हम प्रेजेंट के लिए ये कैलकुलेट कर रहे हैं, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट भी क्लोज। और आप यहाँ देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ वर्किंग प्रेजेंट डे जो है वो 14 डेज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 15 डेज का अटेंडेंस बना है जिसमें 1 डे है एब्सेंट, तो एब्सेंट प्रेजेंट में तो होता नहीं है तो डायरेक्टली इसने 14 डेज कैलकुलेट कर लिया। अब ये सेम फार्मूला जो है हमें एब्सेंट ओवरटाइम और हॉलीडेज के लिए चाहिए, तो वन बाय वन हम इस फार्मूला को डायरेक्टली जो है नहीं लगा सकते क्योंकि ये बिट टाइम कंज्यूमिंग है राइट। तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है सिंपली इस फार्मूला को कॉपी करना है और उसके बाद शिफ्ट राइट एरो की पर एंटर। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे अब ये जो है फार्मूला कॉपी हो चुका है, बट हमें थोड़ा बहुत चेंजेस इसमें करना होगा राइट। तो यहाँ पर जो है ए है एब्सेंट के लिए, तो सिंपली हमें करना क्या है, हमें जो है इस सेल को ये जो है रेंज को हमें कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, और फिर उसके बाद हमें करना क्या है इस रेंज में जा करके एब्सेंट के सेल में जा करके हमें वही जो है जो मैं हमने कॉपी किया था रेंज वो रेंज पेस्ट कर देना है, और यहाँ से पी को एलिमिनेट करके ए डालना है एब्सेंट की राइट एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एब्सेंट ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, यहाँ एक एब्सेंट है तो इस सेल में एक एब्सेंट भी इसने कैलकुलेट कर लिया राइट। फिर अब हमें जाना है ओवरटाइम के लिए, ओवरटाइम के लिए भी सेम हमें वही चीज अप्लाई करना है राइट। हमें ओवरटाइम का सेल सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद इस रेंज को डिलीट करना है, यहाँ से डिलीट करने के बाद इसे हमें पेस्ट करना है जो सेल हमें कॉपी किया था, जो रेंज हमने इसे कॉपी किया था। फिर उसके बाद ओवरटाइम के लिए आपको पी को एलिमिनेट करके ओटी प्रेस करना है और एंटर। तो आप देख सकते हो ओटी अभी यहाँ जो है इस एम्प्लॉई ने फर्स्ट नंबर एम्प्लॉई जो है सोनिका मलानी फर्स्ट एम्प्लॉई जो है वो की पर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर है डिजिटल क्राइम की ऑल ओवर इंडिया वर्क ऑपरेशन 31st। अब यहाँ पर इन्होंने ओटी किया नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से मैं ओटी सेलेक्ट करता हूँ तो ये ओटी कैलकुलेट करेगा राइट, ओटी कैलकुलेट कर रहा है। अब हमें हॉलीडे भी चेंज करना होगा, हॉलीडे फार्मूला भी हमें चेंज करना होगा राइट। तो अब हमें करना क्या है सिंपली अब हमें इसे एलिमिनेट करना है और कंट्रोल वी से पेस्ट करना है जो रेंज हमने सेलेक्ट किया था, और पी को हटा करके सीधे एच लगाना है और एंड।
तो आप देख सकते हो यहाँ ये जो हॉलीडे है जीरो, तो फर्स्ट ऑफ दिसंबर संडे था, तो इसे मैं हॉलीडे सेलेक्ट करता हूँ। तो राइट, अब ये येलो भी हो गया और उसके साथ साथ इसने हॉलीडे को भी काउंट कर ली। राइट, ये है हो गया कम्प्लीटली। अब हमें ये जो है कम्प्लीटली सारे एम्प्लॉयज के लिए एप्लीकेबल कराना है, 25 एम्प्लॉयज के लिए। तो सिंपली आपको इस सेल पर क्लिक करना है और यहाँ कॉर्नर में जो है डबल क्लिक कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। फिर उसके लिए भी यहाँ पर जाकर के आपको डबल क्लिक करना है, तो ये कैलकुलेट कर लेगा। फिर उसके बाद यहाँ भी जाकर के आपको डबल क्लिक करना है, ये कैलकुलेट कर लेगा। और फिर उसके बाद ये जो है यहाँ डबल क्लिक करोगे तो ये सारे सेल्स में जो है हर पर्टिकुलर एम्प्लॉय के लिए सेम फार्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। इस तरह से हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और फार्मूला भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब हमें काउंट करना है टोटल संडे, तो टोटल संडे हम कैसे काउंट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार हम स्क्रोल करके राइट एंड लेफ्ट ये काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है और ये टाइम कंज्यूमिंग और इरिटेटिंग भी है। तो इसके लिए भी हम काउंट इफ का ही फार्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू काउंट इफ, और हमें ओपन द ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है और रेंज हमें सेलेक्ट करना है कम्प्लीटली फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेकर के 31st ऑफ दिसंबर तक। राइट, 31st ऑफ दिसंबर तक ये हमारा रेंज सेलेक्ट हो गया। और फिर उसके बाद हमें देना है सिंपल सा कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में हमें टाइप करना है संडे, कम्प्लीट स्पेलिंग SUNDAY, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कम्प्लीटली यहाँ पर इसने जो है संडे को भी काउंट कर लिया है। राइट, है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग। राइट, अब यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे राइट, या इसे ड्रैग करके डाउन करोगे तो ये थोड़ा रॉन्ग आंसर आपको दिखेगा। मैं बात करके दिखाता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल। अब देखो यहाँ पर ये जो है संडे जो है दिसंबर मंथ के लिए कम्प्लीटली 5 है, तो हर सेल में ये 5 होना चाहिए, लेकिन ये 0 दिखाएगा। राइट, ये 0 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है हमने अप्लाई किया है इसके लिए, यहाँ के रेंज के लिए। आप देख सकते हो कम्प्लीटली ओ से ले करके यहाँ पर ए एस तक का रेंज वो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। राइट, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओ से लेकर के ए एस तक है यहाँ पर। राइट, अब हम नेक्स्ट सेल में जाते हैं तो ये ओ टू से कैलकुलेट कर रहा है, ओ टू से। तो हमें जो है यहाँ पर इस सेल में जो भी फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है, इस फॉर्मूला को, इस रेंज को, बेसिकली इस रेंज को हमें सेलेक्ट करना होगा और इसे लॉक करना होगा। तो लॉक कैसे कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कीजिए उस रेंज को और F4 प्रेस करके एंटर कीजिए। अब आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ आप डबल क्लिक करोगे तो ये 5 कैलकुलेट कर लेगा। राइट, फिर आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो ये हर सेल के लिए अब 5 इम्प्लीमेंट हो चुका है। करेक्ट, और फिर उसके बाद अभी हम कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज, तो कितने एम्प्लॉयज ने टोटल कितने दिन वर्क किया है। राइट, तो हमें क्या करना है, सिंपली वर्किंग डेज जो होता है प्रेजेंट डे और ओवर टाइम को अगर हम ऐड करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास वर्किंग डेज हो जाएगा। तो हमें सिंपली इसे ऐड करना है, तो उसे करने के लिए हमें इज इक्वल्स टू फिर प्रेजेंट डे और फिर प्लस ओवर टाइम। राइट, एंटर। आप देख सकते हो टोटल प्रेजेंट डे 12 है, ओवर टाइम 1 है, तो यानी कि 13 डेज। राइट, और टोटल अटेंडेंस कितना बना है, टोटल अटेंडेंस बना है 15 डेज के, तो टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज जो है यहाँ इतना है 13, यानी कि 2 डेज जो है लेफ्ट हो रहा है। तो 2 डेज का किस सेल में होंगे, यानी कि एक एबसेंट है और फिर उसके बाद एक हॉलीडे है, यानी कि एबसेंटिज्म जो है 1 है और फिर उसके बाद एबसेंट 1 है और हॉलीडेज 1 है, तो 2 ये हो गया और 13 ये, तो 15, तो टोटल। उसी तरह हमें एबसेंट भी कैलकुलेट करना है, तो एबसेंट हम कैसे करेंगे, उस सेम वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इज इक्वल्स टू, और एबसेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐड करना होगा एबसेंट, उसके बाद प्लस का सिंबल देंगे, फिर उसके बाद हमें ऐड करना है हॉलीडेज भी। राइट, तो एंटर करोगे तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा टोटल एबसेंट, तो 13 + 2 इज इक्वल्स टू 15। राइट, अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल नेट डेज, नेट डेज हम कैसे कैलकुलेट, तो नेट डेज को हमें कैलकुलेट करने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, इज इक्वल्स टू ये सम ऑफ ऑल डेज प्रेजेंट, राइट, इसको प्लस का सिंबल देना है, फिर एब्सेंट प्लस, फिर ओवर टाइम प्लस और हॉलीडेज। तो अब आप एंटर करोगे तो आप देख सकते हो टोटल नेट डेज जो है ये हमारा हो गया 15 डेज, और आप देख सकते हो 15 डेज का भी अटेंडेंस भी हमारे पास बना हुआ है।
तो राइट, अब हम अगर मान लो ड्रॉप डाउन मेन्यू से अगर हम एबसेंट सेलेक्ट करते हैं तो ये 16 हो गया राइट, तो यहाँ पर ये काउंट डाउन भी एक्स्ट्रा हो गया 16 और एबसेंटिज्म भी इंक्रीज हो गया 13 राइट। अब मान लीजिए मैं प्रेजेंट यहाँ से टी सेलेक्ट करता हूँ, ये हो गया प्रेजेंट राइट, और फिर उसके बाद इसे ड्रैग करके मैं कंप्लीटली लेकर के जाता हूँ 31st तक, तो ये हमारे पास 31st डे तक कैलकुलेट हो जाना चाहिए अटेंडेंस ऑटोमेटिकली। आप देख सकते हो 31st हो चुका है यहाँ पर, और एबसेंट 3 ही था, टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज 28 डेज और टोटल प्रेजेंट डे 27, एबसेंट 2 है, ओवरटाइम 1 है यहाँ पर और हॉलीडेज राइट। तो फ्रेंड्स ये था, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था राइट, और फिर उसके बाद चलिए मैं क्या करता हूँ, यही अटेंडेंस शीट को जो है मैं कॉपी करके और इसे ड्रैग करके कंप्लीटली जो है हर एम्प्लॉय के लिए एप्लीकेबल कर देता हूँ राइट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर कंप्लीटली ये आ चुका है यहाँ पर, तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम इसे चेंज कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, ये जो भी आपके एम्प्लॉयज होंगे जैसे भी प्रेजेंट डेज के लिए राइट। तो इस तरह से हमने इसे जो है कम्प्लीटली ऑटोमेटेड बना दिया है, और फिर अब हमें कैलकुलेट करना है राइट, ये हमारे पास ये एक्स्ट्रा एक सेल में आ गया है तो इसे हम डिलीट कर देंगे राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है टोटल प्रेजेंट मेंबर, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आउट हमें पता करना है कि फर्स्ट ऑफ दिसंबर में फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रेजेंट है राइट, हम अगर कीबोर्ड से भी टाइप करते तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, वही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा जो वैल्यू हम लोगों ने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में दिया था राइट। तो अब मान लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है और ये एक एम्प्लॉय भी प्रेजेंट है राइट। तो 1, 2, 3, 4, तो अब हमें पता करना है कि टोटल मेंबर्स कितने प्रेजेंट थे फर्स्ट ऑफ जनवरी, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ भी फॉर्मूला लगाना है, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट इफ अब ओपन द ब्रैकेट और रेंज हमें सेलेक्ट करना है राइट। तो रेंज हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट जनवरी से लेकर के डाउन तक 25th तक एम्प्लॉय के लिए, तो शिफ्ट डाउन एरो शिफ्ट प्रेस करके अब डाउन एरो तक प्रेस करना है आपको, और फिर उसके बाद रेंज हमारे पास ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है, फिर हमें देना है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में हमें देना है पी और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हो 4 एम्प्लॉयज जो है प्रेजेंट थे फर्स्ट ऑफ जनवरी के लिए, 1, 2, 3, 4 राइट। अब हमें क्या करना है, इसे अप्लाई करना है पूरे 25 एम्प्लॉयज के लिए 31st ऑफ दिसंबर तक का, तो आप देख सकते हो यहाँ कंप्लीटली राइट, वाओ, ये जो है एप्लीकेबल हो चुका है सारे एम्प्लॉयज के लिए राइट, 25 एम्प्लॉयज प्रेजेंट है और यहाँ पर पूरे एब्सेंट है फर्स्ट से लेकर के ये। तो ये बिट थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग था राइट। फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा आप सबको कि ये जो है वीडियो का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, इसका मैं सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, इसी अटेंडेंस शीट को हम यूज करके ऑटोमेटिकली कैसे हम पूरे एम्प्लॉयज का सैलरी ऑटोमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिर्फ हमें यही अटेंडेंस वैल्यूज को यहाँ पर प्रेजेंट डे जो है यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ वर्क डेज जो है इनपुट वैल्यू को लेकर के ऑटोमेटिकली एंटर करना है और सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। वो फॉर्मेट जो है मैं कंप्लीट बनाऊंगा और आप सब प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, आपको आई होप कि आप सबको वो बहुत पसंद आने वाला है राइट। तो ये जो है काम नहीं कर रहा इसे, तो इसमें क्या करता हूँ, व्यू से ड्रैग करके मैं कंप्लीटली यहाँ पर ला देता हूँ, ये हो गया राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग यू टाइम टू वॉच दिस वीडियो, आई होप यू ऑल विल लाइक इट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल डिजिटल प्राइम, एंड मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज डेफिनेटली डू कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन एंड गिव योर फीडबैक ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।